अल्लाह मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं उज़्मा अज़ीम माहम ब्यूटी सैलून से आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फेशियल के साथ। आज मैं आपको फेशियल करना सिखाऊंगी और फेशियल बताऊंगी। मैं आपको आज फ्रूट फेशियल करना सिखाऊंगी। वीडियो की तरफ जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं फ्रूट फेशियल, ये देखें फर्स्ट स्टेप है, ये लूंगी। आपको ये फ्रूट फेशियल हर जगह से मिल जाएगा, वाइटनिंग है और इस मौसम के लिहाज से बहुत अच्छा है, स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। ये स्टेप वन है, डबल एक्शन है। अब ये मैं आपको करना बताती हूँ कैसे करना है। थोड़ी सी क्रीम आपने लेनी है, अप्लाई करनी है और मैं अब आपको बता रही हूँ। ये देखें वीडियो की तरफ। अभी आपका मुँह आ रहा है, आपने थोड़ी सी क्रीम ले और इसको पूरे फेस क्रीम ली है और मैं अब इनके फेस पे शावर करूंगी। बहुत सॉफ्ट हाथ आपने रखने हैं, सॉफ्ट हाथों से आपने करना है। ये देखें, ये मैंने अब इसको साफ कर देना, बहुत सॉफ्ट हाथ से आपने ये करना है। ये स्टेप टू है, ये देखें एप्रिकॉट स्क्रब है, ये वाइटनिंग है, फ्रूट स्क्रब है एप्रिकॉट और बहुत जबरदस्त है। इसके ऊपर लिखा हुआ है स्टेप टू। ये आपको हर जगह से अवेल हो सकता है, आप बड़ी शॉप से भी खरीद सकते हैं, हर जगह से मिलेगा आपको, कॉस्मेटिक की हर दुकान से आपको मिल जाएगा इजीली, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। और अब ये मैं थोड़ी सी क्रीम लूंगी और अपने क्लाइंट के फेस पे अप्लाई करूंगी और फिर आपको दिखाऊंगी। ये देखें, ये मैंने स्टेप टू लिया है और स्टेप टू लेके मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये कैसे करना है आपने। लाइट लाइट सी आपने मसाज करनी है क्योंकि इनके फेस पे पिंपल्स हैं, इसलिए मैंने ज्यादा जोर जोर से नहीं करना। आप ये देखें कि मैं ये किस तरह अपनी टू फिंगर्स को लेके किस तरह अप्लाई कर रही हूँ, किस तरह मसाज कर रही हूँ। आपने सीखना है, मेरा मकसद आपको सिखाना, आपको बताना है। ये स्टेप थ्री है, ये देखें, और ये लेमन है और ये मसाज क्रीम है, वाइटनिंग है और ये देखें मैं आपको मसाज क्रीम वाइटनिंग। ठीक है, अब मैं इसका स्टेप थ्री का करूंगी और आपको दिखाऊंगी। आपको पहले बताया था उसी तरह मैं आपको अब बता रही हूँ कि आपने जोर जोर से नहीं करना। फेस पे पहले पिंपल्स हैं और फिर और पिंपल्स हो जाएंगे, अगर आप रगड़ रगड़ के करेंगे तो स्किन जो है वो हॉट हो जाएगी तो और पिंपल्स निकल आएंगे। सॉफ्ट हैंड से मसाज करेंगे, ये देखें।
कोशिश करें कि आप पिन वगैरह यूज ना करें, अपने हैंड से ही ब्लैक हेड्स निकालने की कोशिश करें। आपने 5 मिनट से ज़्यादा मसाज नहीं करना। जब आप मसाज कर रहे हो तो आप बेशक घड़ी में टाइम देख लें और फिर मसाज करें। 5 मिनट से ज़्यादा आपने इसका मसाज नहीं करना। स्टेप 4 लेना है। अब आपने स्टेप 4 में है कोका मड मास्क। अब मैंने ये लगाना है और फिर मैं इसको अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह अप्लाई करना है। मैंने अब अप्लाई कर दिया है। अप्लाई करने के बाद इसको फेस पे 10 मिनट छोड़ना है। 10 मिनट छोड़ के फिर इसको मसाज करना है। मसाज करके इसको वॉश कर देना है। वॉश करने के बाद मैंने अगला स्टेप करना है और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये स्टेप 5 है और ये इस पे लिखा है स्किन पॉलिश है ये, और फ्रूटी है, वाइटनिंग है, स्किन पॉलिश। ठीक है, अब ये मैं अप्लाई करूंगी और अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी। ये मैंने स्किन पॉलिश लगाई है और फिर अब मैं इसका मसाज करूंगी, लेकिन इसका मसाज भी मैं 5 मिनट से ज़्यादा नहीं करूंगी। देखें, ये मैंने अब अपनी मॉडल का फेस वॉश किया है और ये आप रिजल्ट देखें कितना अमेजिंग इसका रिजल्ट है। स्किन सॉफ्ट हो गई है। अगर आपको मेरा ये काम पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।